देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं कंचन। अपने मिग विमान में सवार होकर पाकिस्तान के F-16 जैसे अत्याधुनिक विमान को मार गिराने वाले जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी हो गई है। कल रात तकरीबन 9:30 बजे उन्होंने भारत की जमीन पर कदम रखा। 50 घंटों से पाकिस्तान के कब्जे में रहे अभिनंदन के वापस लौटने पर पूरा देश इंतजार कर रहा था। उम्मीद थी कि शनिवार की दोपहर तक वे भारत लौट जाएंगे, लेकिन यह इंतजार लंबा चला और वे रात को हिंदुस्तान लौटे। उनके लौटने पर पूरे देश ने उनका अभिनंदन किया। पटना में तो होली और दिवाली एक साथ मनी। पटना के डाक बंगला चौराहे पर शुक्रवार की देर शाम पटना के आम लोगों ने अभिनंदन के वतन वापसी की खुशी मनाई और पटाखे छोड़े। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल भी लगाया। साथ ही भारत माता की जय के नारे लगाते हुए लोग अपनी खुशी का इजहार करते दिखे। विंग कमांडर अभिनंदन की भारत वापसी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। इससे पहले डॉक्यूमेंट्स में कुछ कंफ्यूजन के चलते भारतीय सीमा को पार करने में अभिनंदन को देर हुई थी। पाकिस्तान की ओर से बाघा बॉर्डर पहुंचने के बाद मेडिकल जांच किया गया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि भारत आपको सलाम करता है, वापसी पर स्वागत है, आप असली हीरो हैं। बता दें कि विंग कमांडर अभिनंदन के भारत पहुंचने के बाद एयर वाइस मार्शल आरजीके कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि विंग कमांडर अभिनंदन को हमारे हवाले कर दिया गया है और अब उनकी बॉडी का चेकअप कराया जाएगा। उनकी वतन वापसी से हम काफी खुश हैं। आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।